मेरा नाम साक्षी है। सो मेरे एक RCT खराब हो गई थी, तो मैंने मतलब अचानक से मुझे दर्द उठा, जिसकी वजह से मैंने सर्च किया कि मैं कहाँ दिखा सकती हूँ। तो मैंने गूगल सर्च किया, तो आई थिंक टॉप पे ही आई हर्ड, लाइक मैंने देखा कि रिहैब डेंटल है। देन मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो लाइक दूसरे लोगों के मैंने पढ़े, तो मुझे अच्छे रिव्यूज़ लगे, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो मैं यहाँ आई, मैंने आई थिंक इट वॉज नॉर्मली एक फ्रीक्वेंट विजिट थी कि दिखा सकते हैं। उसके बाद दिखाने के बाद डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि आपकी दांत में ऐसा है, आपकी ये प्रॉब्लम है। इवन उन्होंने सारे दांत का मुझे एक्सप्लेन किया अच्छे से कि इस दांत में ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर मेरे जब RCT का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, क्योंकि छोटी छोटी सिटिंग्स थी एंड मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड आई थिंक कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आई थिंक आई कैन जस्ट, मैं कॉल कर सकती थी एंड आई कैन गेट दी हेल्प फ्रॉम दी लाइक स्टाफ एंड डॉक्टर। आफ्टर दैट RCT का प्रोसेस था, टाइम लेके मुझे मेरी सिटिंग्स हुई, कोई दर्द हुआ तो आई थिंक पूरा प्रोसेस पूरा हुआ। उसके बाद जब कैप लगी, अलॉन्ग विद इट मेरा एक फ्रंट टूथ था जो आई थिंक बहुत पहले मेरा टूट गया था, जिसकी वजह से कैप लगी थी, तो मैंने वो भी चेंज कराया। तो आई थिंक डॉक्टर ने बहुत अच्छे समझाया कि कौन से कैप होते हैं, कौन सा बेटर है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पसंद आया कि मुझे डिटेल में पता है कि मेरे दांतों के साथ क्या हो रहा है एंड मैं अपनी डेंटल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, कि लाइक क्या करना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए। तो आई थिंक नाउ आई नो कि क्या करना है। एक बेसिक अवेयरनेस हम आपको देना चाहते थे साक्षी, ताकि आप खुद भी एज अ लेमैन भी आप अपने टीथ को ना अच्छे से मेंटेन कर पाए, उनकी केयर कर पाए, बिकॉज हम अपना काम करके आपको भेज देंगे बट घर जाके आपको उसे मेंटेन करना है, राइट? राइट राइट। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक रहा आपको RCT के दौरान? कोई पेन, कोई स्वेलिंग, कुछ इस तरह से? कोई नहीं, मतलब RCT के दौरान मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मतलब इवन आई थिंक एनेस्थीसिया देते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई मुझे बिल्कुल। और बहुत सीमलेस प्रोसेस था, मैं अपने डे टू डे लाइफ में मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, खाना वाना कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, तो बहुत सीमलेस प्रोसेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि 3 महीने में या 6 महीने में हमें रेगुलर चेकअप लेना चाहिए एंड यू शुड विजिट। व्हाट इज योर मैसेज फॉर दोज पीपल जो RCT से बहुत डरते हैं, जिनका ये कहना होता है बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, जान निकल जाती है, बड़ा दर्द होता है, आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा कि मेरा भी बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं पहले जब भी RCT कराई है तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो when you went to some other dentist, तो आई थॉट कि मैं डेंटल क्लिनिक कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। इतना खराब आपका एक्सपीरियंस था? इतना खराब एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल बाद आई हूँ आई थिंक। ओह माय गॉड, ओके। तो बट आई वुड सजेस्ट कि अब प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं, अगर आप अच्छे क्लिनिक पे जाते हो तो आपको ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत ही प्रोसेस अच्छा हो गया है एंड डरना नहीं चाहिए, लाइक आपको डेंटल हाइजीन का केयर करना चाहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कैन यू स्माइल फॉर अस? आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।